ये जितने भी बच्चे जो बता रहे हैं कि पेपर आपने लीक कर दिया वही सेम टू सेम सेंट वैल्यूज आ गई हैं यही सेम चीज हम रिक्रिएट करने वाले हैं 2025 बोर्ड में सो so, क्लास ट्वेंटी के लिए मैं लेके आया हूँ बिग न्यूज हमारा कोर्स अभियान 3.0 पॉइंट जिसमें लाइव क्लासेस है रिकॉर्डेड क्लासेज है डीपीपीज है आपके घर पे स्टडी मटीरियल पहुंचाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड बुक्स फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ये हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है हमारी एप्लीकेशन में इस कोर्स में आपको इंडिया

इन द लास्ट वीडियो जो मैंने लाइव क्लास ली थी यूट्यूब के ऊपर वहां पे मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे सारी चीजें याद करा दी थी आई होप आपने वो वीडियो देखा हुआ है सो so, अगर आपने वो वीडियो देखा है तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना इस वीडियो को वॉच करने से पहले वो वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑल द कॉन्सेप्ट आर देयर इन दैट पर्टिक्युलर वीडियो नाउ इफ यू आर ऑलरेडी वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल द कॉन्सेप्ट देन यू डोंट हैव टू वॉच दैट वीडियो इन दैट केस यू कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग ओवर हेयर द क्वेश्चन ओवर हेयर आर बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सो दीज क्वेश्चन आर नॉट सो ईजी नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े से तेड़े मेड़े हैं बट अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो इनसे मुश्किल क्वेश्चन और कोई नहीं बन सकते फॉर योर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बोर्ड एग्जामिनेशन सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज जो आपको कवर करनी है इससे हल्के क्वेश्चंस अगर आप कर चुके हो आप अपनी पूरी बुक एक बार लगा चुके हो तो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा दूसरी चीज ये क्वेश्चन करने से पहले अगर इन क्वेश्चन की शीट आपको चाहिए ये सारे क्वेश्चन आपको चाहिए और आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए विद कॉन्सेप्ट विद फॉर्म्यूलाज तो हमारी एप्लीकेशन है महेश्वरी क्लासेज एप्लीकेशन जिसके फ्री स्टडी मटीरियल सेक्शन में यू विल गेट ऑल दिस स्टफ महेश्वरी क्लासेज एप्लीकेशन को लॉग इन करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक करें आप आईओ को यूज करते हैं तो आईओ एस प्लेटफॉर्म पर भी ओपन हो जाएगी आप प्ले स्टोर पर करना चाहते हो वहां पर भी हो जाएगी आप लैपटॉप पीसी कंप्यूटर पर करना चाहते हो वहां पर भी हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो ओपन टू ऑल है जिसमें बच्चे आपस में चैट करते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक दूसरे के पेपर्स शेयर करते हैं प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से स्कूल्स में पूछे जा रहे हैं ये सब शेयरिंग होती है और ये जो स्टडी मटेरियल मैं आपको बता रहा हूं वो भी रेगुलर अपडेट होता है वहां पे हमारे कुछ आई के प्रीवियस ईयर टॉपर्स भी हैं जो आपको गाइड करते हैं कि, कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई अपनानी चाहिए और किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैनेजमेंट वो भी सब वहां पे आपको बताते हैं तो अगर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है वहां से आप कर सकते हैं नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर स्टार्ट विद द क्वेश्चन सो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे विदाउट एक्सपैंडिंग या फिर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिक्युलर डिटर्मिनेंट तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ध्यान से देखिए तो एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स एक्स ये सेम सेम है एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है हर रो और हर कॉलम में सेम सेम एलिमेंट्स है तो यहां पे हम बेसिक सिंपल ऑपरेशन लगा सकते हैं सो तो हमने यहां पे अगर ऑपरेशन लगाया यहां पे अगर हमने ऑपरेशन लगाया आर वन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर, प्लस आर थ्री सो तो यहां से होगा क्या देखिए एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज थ्री एक्स प्लस फोर थ्री एक्स प्लस फोर थ्री एक्स प्लस फोर नीचे आ गया x x x प्लस फोर एक्स 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 प्लस फोर ना एज यू कैन सी थ्री एक्स प्लस फोर फर्स्ट रो में आपको हर एलिमेंट में दिखाई दे रहा है सो so, यहाँ से थ्री एक्स प्लस फोर अपन कॉमन ले सकते हैं सो so, अगर हमने यहाँ से थ्री एक्स प्लस फोर को कॉमन निकाला वी आर लेफ्ट विद वन एक्स एक्स वन थ्री एक्स प्लस फोर सॉरी एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर then एक्स then वन then एक्स देन एक्स प्लस फोर नाउ हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है या हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाएं और फिर उसके बाद एक्सपैंड कर दें अब यहां पे हमको तीनों में वन 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 दिखाई दे गया है तो अब इसको जीरो बनाना बहुत आसान है हमने सी वन में ऑपरेशन लगाया सी वन माइनस सी थ्री सी वन माइनस सी थ्री करेंगे तो इससे हो गया क्या वन माइनस वन जीरो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स ये भी जीरो हो जाएगा तो एक कॉलम में दो जीरोस मिल जाएंगे सो दिस इज ऑपरेशन लगाया सी वन में वन माइनस वन जीरो हो गया माइनस फोर ये हो गया वन एक्स प्लस फोर एक्स वन एक्स एक्स प्लस फोर नाउ सिंस वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ is फर्स्ट कॉलम के along एक्सपैंड कर देते हैं इसको So, ये आ गया थ्री एक्स प्लस फोर इंटू माइनस फोर टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको सो so यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर का होल स्क्वास टूर एट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर राइट नहीं गलत कर दिया है सॉरी गलत किया है सो so, ये जिस रोज जिस कॉलम में आ रहा है उसको एलिमिनेट करेंगे ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस फोर सो so, ये प्लस जो है ये भी माइनस ही हो जाएगा जब अंदर जाएगा सो एक्स माइनस एक्स कट गया माइनस फोर आ गया माइनस फोर इंटू माइनस फोर तो ये हो जाएगा सिक्सटीन टाइम्स थ्री एक्स प्लस फोर दिस इज योर फाइनल आंसर यही आपका फाइनल आंसर है दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट तो करना क्या है जितने भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अब बहुत सारे बच्चे ये लास्ट क्लास में भी पूछ रहे थे सर हमारे कोर्स में है कि नहीं है डेफिनेटली है इट इज मेंशन क्लियरली मैंशन इन योर सिलेबस के कोर्स में है तो इसको आपको करना ही करना है तो यहां से इस तरीके से हमने किया और इसको सोल्व कर लिया आई होप दिस इज क्लियर टू इच एंड एवरी वन ऑफ यू लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ए माइनस बी माइनस सी बी माइनस सी माइनस ए अब देखो अगर यहां पे भी देखो तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी हर जगह तो एक ही कुछ कुछ ए बी सी ए बी सी दिख रहा है सो so यहां पे भी हम वही ऑपरेशन लगा देते हैं क्या ऑपरेशन लगाते हैं आर वन में लगा देते हैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपको डायरेक्टली एड करना है तो अगर इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी टू बी टू सी ये आ जाएगा क्या ए माइनस ए तो यादगा ए प्लस बी प्लस सी बी माइनस सी माइनस ए टू सी देख ए प्लस बी प्लस सी टू बी सी माइनस ए माइनस बी राइट सो अगेन ए प्लस बी प्लस सी ये वही सेम जैसा पिछला क्वेश्चन था हमने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन लिया देन हमने अंदर तीन वन बना लिए फिर अब इन तीन वन को जीरो करने के लिए सब्ट्रैक्शन कर दीजिए ऑपरेशन लगा दीजिए और फाइनल आंसर एक्सपैंड करके निकाल लीजिए सो so कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है हर क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे तो यही सेम चीज़ करनी है अब दो ज़ीरो बनाने के लिए फिर से वही ऑपरेशन लगा दीजिए क्या सी वन में लगा दीजिए सी वन माइनस सी थ्री सो दो ज़ीरो बन जाएंगे यहाँ से सो ए प्लस बी प्लस सी बाहर है यहाँ पे बन गया जीरो जीरो टू सी माइनस सी करेंगे तो यह आ जाएगा सी माइनस ए माइनस बी सॉरी ये प्लस हो जाएगा सो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे फिर ये हो जाएगा वन बी माइनस सी माइनस ए टू सी वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी राइट अब ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जो है इसको भी बाहर ले सकते हैं यहाँ पे तो जीरो ही है तो ए प्लस बी प्लस सी और बाहर हो जाएगा सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे वन बचेगा सो तो ये बचा जीरो जीरो वन वन बी माइनस सी माइनस ए टू सी वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी अब ये वन के अलोंग अगर एक्सपैंड करते हैं दैट इज फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये तो जीरो है डायरेक्ट वन पे आ जाइए ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको एलिमिनेट किया इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इन तो हो so, हो जाएगा, B plus B, so ये हो जाएगा ये so, ये भी आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए सो फाइनल आंसर इज ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब तो देखिए भाई हर क्वेश्चन करने का ऑलमोस्ट एक ही तरीका है बस अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करना है अब ये तरीका आपको कैसे समझ में आएगा यह तरीका आपको समझ में आएगा जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे राइट right? सो so, अलग अलग क्वेश्चन को अप्रोच क्या होगा करने का वो मैं आपको बता रहा हूं वही मैं आपको सिखा रहा हूं और वो आप जितनी ज्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे सेल्फ स्टडी करोगे सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट अब ये क्वेश्चन देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो ये टेढ़े हैं पर मेरे हैं कर सकते हैं टेढ़े हैं पर कर सकते हैं लेकिन ये वही बच्चे कर सकते हैं जो एक बार इस क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चन को कर चुके हैं अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है सो फर्स्ट रो में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड वाई प्लस जेड दे दिया कुछ कॉमन नहीं आएगा कॉलम वाइज देखिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्स स्क् स्क्वायर यहां से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा सो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे कुछ कॉमन रो या कॉलम से नहीं आ रहा है तो यहां पे हम एक जुगाड़ करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं रो वाइज और कॉमन लेते हैं कॉलम वाइज क्या कह रहा हूं मैं मैं कह रहा हूं रो में मल्टीप्लाई कराओ कॉलम से खींचो रो में डालो कॉलम से खींचो रो में डालो कॉलम से खींचो ठीक है सो so, रो में डालना है और कॉलम से खींच लेना है तो कैसे करेंगे भाई रो में हमने मल्टीप्लाई किया सो फर्स्ट रो में हमने मल्टीप्लाई किया बाई एक्स सेकेंड रो में हमने मल्टीप्लाई किया बाय वाई एंड थर्ड रो में हमने मल्टीप्लाई किया बाय जेड सो अब खुद से मल्टीप्लाई किया है खुद से मल्टीप्लाई किया है तो भाई डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि भाई क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते क्वेश्चन की वैल्यू वही रहेगी राइट सो so, खुद से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड तो खुद से हम लोग एक्स वाई जेड से डिवाइड भी कर देते हैं सो वन अपॉन एक्स वाई जेड लिखा वन अपॉन एक्स वाई जेड मतलब वही डिवाइड अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई जेड प्लस एक्स वाई ये z से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक so सो so ये हमने यहां से किया अब यहां से करने से फायदा क्या हुआ देखिए फायदा ये हुआ कि हम फर्स्ट कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं सेकेंड कॉलम से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं तो यहां से हम कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं सो so, हमने रो में मल्टीप्लाई किया कॉलम से अगर बाहर निकालें so, निकालेंड so, कॉलम से बाहर निकाला सो so, ये हो गया एक्स वाई जेड नीचे एक्स वाई जेड ऑलरेडी था सो so, एक ही एक्स वाई जेड से एक एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो गया अब यहां अगर एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां बचा वाई जेड यहां बचा एक्सड यहां बचा एक्स वाई राइट यहां बचा वन 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 यहां बचा एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई एक्सड प्लस वाई जेड ये यह बचा यहां से राइट अब क्या कर सकते हैं देखिए सॉप करने के लिए ये तीन वन बन गए अब दो जीरो बना लीजिए सो दो जीरो बनाने के लिए हमने क्या ऑपरेशन लगाया हमने लगाया आर वन में आर वन माइनस आर थ्री एंड आर टू में भी लगाया आर टू माइनस आर थ्री वन माइनस वन करेंगे तो जीरो मिल जाएगा ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो मिल जाएगा तो ये जीरो बना रहे बाकी अपने आप क्या होता जा रहा है वो होता जाएगा सो एक्स वाई जेड माइनस करेंगे यहां से तो क्या आ जाएगा अगर वाई कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा जेड माइनस एक्स ये हो गया जीरो इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक्स जेड एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा माइनस वाई जेड वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वाई ठीक है सो so, मैंने यहां पे इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया है आपको नहीं समझ में आया कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ आप खुद लिख लिख के करो एक एक टर्म करो यही आंसर आएगा ठीक है मैंने माइंड में कर लिया है एक्स जेड एक्स वाई में से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा जेड माइनस वाई ये हो गया जीरो यहां पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड एक्स कॉमन लेंगे तो आ जाएगा वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड यह आ गया एक्स वाई आ गया वन या आ गया एक्स जेड प्लस वाई जेड राइट सो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया एक पर्टिकुलर कॉलम में दो जीरो बना लिए टेंशन फ्री हो गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब देखिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहां से सो देखिए यहां से अगर हमने y कॉमन लिया था यहां मैंने कुछ गलती की है यहां पे एक्स वाई एक्स वाई कट गया एक्स जेड और वाई जेड अगर सॉरी यहां से माइनस किया था एक्स वाई एक्स जेड से एक्स जेड कट गया वाई जेड था सो so अगर यहां से आ, Y कॉमन लिया तो X माइनस जेड बचा X माइनस जेड बचा यहां मैंने गलती की है यहां पे बचा X माइनस जेड ठीक X माइनस जेड बचा अब X माइनस जेड वाई माइनस जेड अगर यहां पे देखिए इसको कॉमन ले लिया जाए सो so मैंने X Y Z के साथ साथ फर्स्ट रो से कॉमन निकाला x माइनस जेड सेकेंड रो से कॉमन निकाला y माइनस जेड तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या बचा? सो so, मेरे पास यहां पे बचा आप देखिए x माइनस जेड कॉमन निकाला है तो so, x माइनस जेड कैसे बनेगा अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस जेड यहां पे भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y माइनस जेड तो y माइनस जेड वाई माइनस जेड आ गया माइनस कॉमन लिया डाट सेट सो ये हो गया माइनस वाई माइनस एक्स एक्स वाई जीरो जीरो वन Y X and X, Z plus Y Z ये बच्चा अब देखो इसको सॉल्व करना हो गया बहुत ही इजी बहुत ही आसान क्यों क्योंकि दो जीरो तो हमको कॉलम टू में मिल रहे हैं ना वी कैन एक्सपैंड अलोंग कॉलम टू अगर कॉलम टू के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस सो वन के ऊपर माइनस का साइन आ रहा है राइट right? सो so हमने लिखा माइनस वन और ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड किया इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई राइट क्योंकि माइनस एक्स वाई था और माइनस आ जाएगा सो माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया जीरो हो गया सो यह जीरो ही हो जाएगा सो फाइनल आंसर क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया एक्स वाई जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड दिस इज द फाइनल आंसर सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अगर नहीं क्लियर है तो फिर से थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए किया कुछ भी नहीं एक्स वाई जेड हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो में एक्स से रो में वाई से थर्ड रो में जेड से फिर हमने फर्स्ट रो कॉलम से कॉमन लिया एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम से कॉमन लिया एक्स वाई जेड फिर हमने दो जीरो बनाने की कोशिश की और फिर एक्सपैंड कर दिया सो दिस इज दी अप्रोच टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसी तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आपका फाइनल आंसर आएगा आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू क्लियर है भाई अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं लेकिन हमको ये जीरो के बराबर बताना था भाई दिस इज इक्वल्स टू जीरो वही मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है माइनस वन इंटू जीरो So, ये बाहर था इसको हमने पूरे को एक्सपैंड किया तो ये ज़ीरो आ गया हाँ भाई आंसर तो जीरो आ गया ना फाइनल आंसर ये नहीं है आंसर जीरो है कैसे देखिए ये जीरो हो गया यहाँ से जीरो इंटू माइनस वन जीरो जीरो इंटू समथिंग इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा सो फाइनल आंसर जीरो आ रहा है जो हमको प्रूफ करना था दैट दिस इज इक्वल्स टू जीरो तो जीरो के बराबर प्रूफ करना था जीरो के बराबर आ गया जब हमने फाइनली एक्सपैंड किया पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई जीरो इज ऑलवेज जीरो तो इसलिए आंसर आ गया जीरो के बराबर ठीक है प्लीज नोट दिस डाउन देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिए बॉस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड फोर एक्स वाई जेड दिया है आसान क्वेश्चन है अब ऐसे क्वेश्चन की हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं क्या करना है भाई सिंपल सा ऑपरेशन लगाइए आर वन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सारी रोज को ऐड कर लीजिए सो so, क्या बन जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अगर करेंगे तो ये हो जाएगा टू जेड प्लस टू वाई ये बन जाएगा टू जेड प्लस टू एक्स ये बन जाएगा टू वाई प्लस टू एक्स सो so, ये बन जाएगा z y z प्लस x x x एक्स प्लस वाई राइट अब क्या कॉमन आ रहा है टू कॉमन निकाल लीजिए पहली रो से तो अगर पहली रो से टू कॉमन निकालेंगे तो टू बाहर आ जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे तो देखिए पहली रो से अगर टू कॉमन निकाल लें टू बाहर निकाल लें तो ये सब टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ से बेसिकली ठीक अब आप निकाल के देख लीजिएगा मैं यहाँ पे आपको यह ऐसे दिखा दे रहा हूँ अब क्या बचा z जेड प्लस वाई ठीक है तो क्या करो इन दोनों को ऐड करो और इससे सब कर दो z प्लस वाई सब कर दो Z प्लस एक्स आ रहा है सब कर दो तो क्या करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा लेते हैं R1 में R1 वन माइनस आर सो देखते हैं क्या आ रहा है R1 वन माइनस आर टू जेड माइनस जेड करेंगे तो ये बचेगा y z y जेड प्लस एक्स पे Z प्लस एक्स माइनस किया जीरो आ गया यहाँ पे बच्चा Z प्लस एक्स यहाँ पे बच्चा X X माइनस कर देंगे बच्चा Y X X प्लस वाई ठीक है सो so, ये इस तरीके से आ गया और बाहर क्या आ गया बाहर आ रहा था हमारा टू अच्छा और कोई जीरो बनाया जा सकता है इजीली क्या जीरो बनाया जा सकता है इजीली एक और तरीके से कैसे हम इन दोनों को आपस में सब कर दें तो सी वन में अगर ऑपरेशन लगा दें सी वन माइनस सी थ्री टू बाहर ही था वाई माइनस वाई जीरो हो गया ये हो गया जेड माइनस एक्स ये हो गया माइनस एक्स ये हो गया जीरो जेड प्लस एक्स एक्स वाई एक्स एक्स प्लस वाई नाउ सिंस वी हैव टू जीरोज इन द फर्स्ट रो वी कैन एक्सपैंड थ्रू द फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे सो so, ये वाला प्लस माइनस प्लस वाई आ जाएगा सो so, ये हो गया टू वाई इन टू अब यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स ठीक है सो so, यहाँ पर क्या हो गया टू वाई इन टू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स ओके So, two, अगर और कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा फोर वाई इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया जेड एक्स प्लस जेड एक्स क्या हो गया टू जेड एक्स ठीक सो ये हो गया टू जेड एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके आ गया टू एक्स वाई जेड और टू इंटू टू कितना हो गया फोर तो ये हो गया फोर एक्स वाई जेड प्रूफ तो जो हमको प्रूफ करना था जो आर एच एस था वही हमारा आंसर आ गया राइट right. सो so, इस तरीके के क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी ऐसी तेड़ी खीर नहीं है सीधे सीधे करोगे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा नो प्रॉब्लम नो दिक्कत ठीक चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वन माइनस ए माइनस वन का होल क्यू भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कॉलम थ्री में सारे के सारे वन दे दिए हैं क्या करो इनको सब्ट्रैक्ट करके जीरो के बराबर बना लो दो वन जीरो हो जाएंगे फिर एक्सपैंड कर दो सो बेसिक्स अगर हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया आर वन माइनस आर थ्री आर टू में ऑपरेशन लगाया आर टू माइनस आर थ्री तो बहुत ही सिंपली इजीली, आराम से दो जीरो बन गए एक्सपैंड कर दीजिए आरएचएस आ जाएगा चिंटू क्वेश्चन है इसको खुद कर लीजिएगा खुद को करके बुलंद इतना खुद कर लो राइट सो प्लीज डू इट योर और आ जाएगा आर के बराबर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये है बढ़िया क्वेश्चन इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सी बी क्यू सो so, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं सो so, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर है देन प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो ना हाउ टू प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो सो भाई इसके लिए क्या करते हैं अब इसके लिए जीरो वी वीरो बनाना तो ईजी नहीं है हमको ये प्रूव करना है कि ये सब जीरो के बराबर है तो इसके लिए हम करते हैं हम इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देते हैं अलॉन्ग आर वन सो अगर अलॉन्ग आर वन एक्सपैंड करेंगे तो यहां मैंने लिख के दिखा दिया एक्सपैंडिंग अलोंग आर वन सो आर वन के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो गया वन इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर है ओके प्लस माइनस माइनस कॉस सी इंटू ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी फिर प्लस कॉस बी इंटू कॉस बी जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है सही तो हो गया कॉस ए कॉस सी कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस बी सो यहां पे हमने बेसिक एक्सपेंशन लगाया डायरेक्ट एक्सपैंड कर दिया फर्स्ट रो के अलॉन्ग वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के सो दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी सो सबको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया अब मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी ऐड हो रहा है सो so, ये हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी राइट सो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी राइट अब देखिए कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी है ऐसा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आपने इलेवेंथ में एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए ये फॉर्मूला बराबर होता था कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी सो so भाई इलेवन के ट्रिगो के फॉर्मुले जरूर याद होने चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में यही पुराने फॉर्मुले अप्लाई हो रहे होते हैं हैं इसीलिए इसको कॉम्पिटेंसी कह देते कि भाई का भी देखो तुमको याद होना चाहिए राइट सो so ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए याद होना चाहिए अब अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो यहां से ये क्या आ जाएगा देखिए सो यहां से ये आ जाएगा एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं शायद थोड़ा सा नीचे है हाँ अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा ओके सो यहां पे अब हमने क्या किया अगर यहां से हम माइनस साइन कॉमन ले लें माइनस वन अगर बाहर ले लें तो क्या बचेगा ये बचेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस कॉस स्क्वायर सी माइनस टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी राइट तो यहां पे हमने ये लगाया अब माइनस वन इन टू अंदर फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी मल्टीप्लाई किया प्लस कॉस सी अगर कॉमन ले लें इन दोनों में से तो क्या बचेगा ये बचेगा कॉस सी माइनस टू कॉस ए कॉस बी ठीक सो so, यहां से हमने क्या किया इन दोनों में से कॉस सी कॉमन ले लिया और यहां पे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सो so, यहां तक हमारा ये आंसर आ गया ठीक भाई थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा अब देखिए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है सो so, हमको दिया है ए प्लस बी प्लस सी क्वल टू जीरो सो ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी माइनस सी के बराबर सो so, अगर हमको कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी ऑफ ऑफ इलेवेंथ में पढ़ा था किसके बराबर होता है कॉस थीटा कॉस सी के बराबर मैंने आपको आई में भी बताया था वही सेम तो ये कॉस सी के बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस सी अब देखिए अगर यहां पे हम कॉस सी लिख सकते हैं तो यहां पे भी कॉस सी है यहां पे भी कॉस सी है टोटल में से कॉस सी कॉमन ले लें सो माइनस ऑफ कॉस सी अगर कॉमन लिया क्योंकि माइनस वन बाहर था तो यहां पे क्या बचेगा यहां पे बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस सी माइनस टू कॉस ए कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी ठीक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक क्लियर हो गया अब देखो दिक्कत क्या आएगी अब दिक्कत यहां पे आएगी कि भाई ये तो कॉस ए माइनस बी हो गया ये टू कॉस ए कॉस बी दिया है और कॉस सी दिया है अब क्या किया जाए सो so अब करना क्या है ये जो कॉस ए माइनस बी है ना इसको एक्सपैंड कर देते हैं अगेन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए माइनस बी विच इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो ये फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड करते हैं यहाँ पे सो so इसको अगर यहाँ पे एक्सपैंड किया जाए तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस सी माइनस टू कॉस ए कॉस बी सो दोबारा से फॉर्मूला लगा के इसको ओपन अप किया है अब यहां पर देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस टू कॉस ए कॉस बी तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस ए कॉस बी आएगा राइट सो माइनस कॉस सी यहां से आया माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस सॉरी प्लस कॉस सी ये आया ठीक अब साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला नहीं होता एस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है तो हम यहां से फिर से इस माइनस को अगर कॉमन ले ले बाहर तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस कॉस सी अंदर बचा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस सी राइट अब यह किसका फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो यह फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी का राइट तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी तो बाहर है कॉस सी अंदर आया कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस सी अगेन कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर है सो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस सी के बराबर है so, सो so, इस ए प्लस बी की जगह लिख सकते हैं कॉस सी सो कॉस सी इंटू कॉस सी माइनस कॉस सी सो कॉस सी से कॉस सी कैंसिल आउट हो गया जीरो आ गया सो फाइनल आंसर आ गया जीरो Hence, proved. अब ये question आप तभी कर पाओगे जब आपने ये क्वेश्चन को कम से कम तीन से चार बार प्रैक्टिस किया है सो so यहां पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इन क्वेश्चंस को तो करना ही करना है भाई तो एक्सपैंड करते चले गए प्रॉपर्टीज लगाते चले गए फॉर्मूले यूज करते चले गए सो so अब ये क्वेश्चन किनको मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन उनको मुश्किल लगता है जिनको इलेवेंथ में ट्रिगो मुश्किल लगती थी अब ये इलेवंथ की ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन है सो so, ट्रिगो के फॉर्मुले अगर नहीं याद होंगे सो यू कैनॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेट्स अब डिटर्मिनेट है इन लेकिन अगर इसको ट्रिगो से रिलेट कर दिया इलेवेंथ से रिलेट कर दिया तो वहां जो आपके कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं राइट So, नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन को दोबारा से पीछे करो रिवाइंड करो दोबारा से देखो दो बार तीन बार देखो लेकिन इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना ये बेहतरीन सीबीक्यू क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं तो इसलिए इसको जरूर देखिए अच्छे से करिए चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड्स ऑफ लेंथ ए आर दिस देन प्रूव दैट दिस ये हमको प्रूफ करना है ठीक है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है सर एक ऐसा ट्राएंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो सो so, अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और लेंथ ए के बराबर हो ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स वन वाई वन बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स टू वाई टू एंड सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स थ्री वाई थ्री तो हमको बताना है कि ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए की पावर फोर इन अपॉन फोर अब ये अगर आप देखिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री वन 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 ये क्या याद दिला रहा है सो so, ये याद दिला रहा है एक ऐसा टॉपिक जो हमारे कोर्स में है विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है यूजिंग डिटर्मिनेंट हाफ ऑफ पहले वाले तो तो के कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1 दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 तीसरे वाले के कोऑर्डिनेट x3 y3 और लास्ट में 1 1 1 ये होता है फॉर्मूला किसका ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का राइट सो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिखा जाए तो इस तरीके से कुछ आएगा नो प्रॉब्लम अब क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है विद लेंथ ए दिया है सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ लेंथ ए ये होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर ठीक है सो रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर इसका एरिया होता है जिसकी लेंथ ए के बराबर दी है एक साइड ए के बराबर है सो so, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होगा ये बराबर होगा रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर राइट अब देखो यहां पे क्या आ रहा है यहां पे आ रहा है थ्री बाई ए की पावर फोर बाई फोर और ये आ रहा है ये जो क्वाड्रेंट ये जो आ रहा है ये किसके फॉर्म में आ रहा है ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है अब अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे देखो पहले ये टू से ये टू को कैंसिल कर दिया अब यहां पे अगर अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन 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 टोटल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस का स्क्वायर करेंगे रूट थ्री का स्क्वायर थ्री टू का स्क्वायर फोर ए का स्क्वायर ए की पावर फोर So, ये आ गया जो हमको प्रूफ करना था हेंस प्रूफ देन दिस इज इक्व टू दिस ये प्रूफ करना था तो यहां पे ये प्रूफ हमने कर लिया है तो देखो ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं क्योंकि इसमें वही करना है जो करना है इसमें आप अपने हिसाब से आए बाएं दाएं नहीं घुमा सकते आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है वही रूट फॉलो करना है ठीक है सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ द्वेश्चन सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ये जो हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है ये जीरो के बराबर दिया है राइट right? तो so, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे जीरो से इक्वेट करेंगे एंड देन विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा सो इसके लिए जीरो बनाने के लिए हमने इन दोनों कॉलम्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया सब्ट्रैक्ट करके एक जीरो बन रहा है अब इससे ज्यादा जीरो बनाने की हिम्मत नहीं है मतलब लेंदी है शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो रहा कोई बात नहीं भाई डायरेक्ट एक्सपैंड कर देते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब अगर इसको डायरेक्ट एक्सपैंड करें सो लेथ से अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करें तो ये तो जीरो जीरो ही हो जाएगा सेकेंड से करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन अब ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटाया तो सेवन टू जोटीन माइनस फोर्टीन कॉस टू थीटा प्लस साइन थ्री थीटा अब साइन थ्री थीटा जिस रोक जिस कॉलम में आ रहा है सेवन सेवन फोर्टी नाइन माइनस फोर थ्री फोर्टी टू राइट फोर थ्री आर ट्वेल्व वन थ्री वन थ्री एंड वन फोर फोर्टी टू ये आ गया अब इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा फोर्टीन कॉस टू थीटा माइनस फोर्टीन फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी टू करेंगे तो कितना आ जाएगा नौ में से दो गए सात तो ये हो गया प्लस सेवन साइन थ्री थीटा राइट अब देखिए यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है हां अगर हम सेवन कॉमन निकाल लें तो यहां से अगर हम सेवन कॉमन निकाल लें तो सेवन कॉमन निकालने पे क्या मिल रहा है ये मिल रहा है टू कॉस टू थीटा माइनस टू प्लस साइन थ्री थीटा राइट And this is equals to zero. अब अगर हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा या तो इस पूरे कोस में कन्वर्ट कर लेन में कन्वर्ट कर लेता है तो पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हो वैल्यू होती है वैल्यू होती है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थी दिस इज इक्वल टू जीरो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा सेवन इंटू टू माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू प्लस थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो राइट टू माइनस टू कैंसिल आउट हो गया क्या बचा ये माइनस में बचा ओके okay. अगर हम माइनस कॉमन ले लेस सेवन बाहर निकाल दिया अब क्या बचा So, अब बच्चा आप देखो साइन थीटा भी बाहर निकाल सकते हैं सो so हमने यहां से माइनस सेवन साइन थीटा अगर बाहर निकाल दिया तो क्या बचा यहां से तो यहां पे बचा फोर साइन थीटा ये पहले यहां पे लिख लेते हैं सो so इसको लिख लेंगे माइनस लिया तो ये हो गया फोर साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस था माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस प्लस फोर साइन थीटा माइनस थ्री एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो सो so, ये बचा हमारे पास राइट अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है राइट सो so, या तो ये जीरो के बराबर है या ये क्वाड्रेटिक पार्ट जीरो के बराबर है अगर ये जीरो के बराबर है तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू अगर हम जीरो से इक्वेट कर दें सो तो थीटा की वैल्यू या तो जीरो डिग्री आ जाएगी या फिर अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो एन पाई के फॉर्म में आ जाएगी सो so, या तो जीरो डिग्री या एन पाई क्योंकि यहां दिया नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में है कोई बात नहीं सेकेंड पार्ट को अगर सॉल्व करें ये वाले पार्ट को तो ये एक इक्वेशन बन गई है आपको दिखाई दे रहा है सो so यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बी की वैल्यू है फोर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर ये हो गया सिक्सटीन माइनस फोर ए सी सो फोर फोर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू थ्री सिक्स थ्री दोर्टी एट सो प्लस फोर्टी एट अपॉन एट राइट अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस माइनस एट भाई फिफ्टी सिक्स हो गया सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर का एट हो गया सो एट बाई एट सो यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी माइनस फोर माइनस एट बाई एट सो माइनस फोर माइनस एट यानी माइनस ट्वेल्व बाई एट और दूसरी वैल्यू आ जाएगी अगर प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा फोर बाई एट दैट इज़ वन बाई टू माइनस ट्वेल्व बाई एट अगर इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा माइनस थ्री बाय फोर से कैंसिल किया थ्री बाई टू माइनस का थ्री बाय टू ठीक सो साइन थीटा या तो माइनस का थ्री बाई टू के बराबर है या वन बाय टू के बराबर है अब अगर यहां से साइन थीटा को हमने वन बाय टू से इक्वेट किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा की वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई सिक्स दैट इज थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री पे वैल्यू वन बाई टू के बराबर होता है राइट या अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं एन पाई माइनस वन की पावर एन प्लस पाई बाय सिक्स क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं आपने इलेवेंथ में लिखना सीखा था राइट right. अब दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है इफ साइन थीटा टू माइनस थ्री बाई टू अब देखो आपको पता है बचपन में ही पता है आई में भी मैंने बताया था कि साइन की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में रहती है सो ये माइनस थ्री बाई टू का मतलब माइनस वन पॉइंट फाइव क्या साइन थीटा कभी माइनस वन पॉइंट फाइव के बराबर हो सकता है भाई साइन की औकात ही माइनस वन से वन के बीच में है तो वन पॉइंट फाइव कैसे हो जाएगा हो ही नहीं सकता सो दिस इज नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है इसलिए हमारे पास दो ही आंसर आए या तो ये जीरो या एन पाई के बराबर है या पाइव बाई बराबर है इन दोनों में से कोई एक वैल्यू सही है ठीक है सो बढ़िया क्वेश्चन है अगेन इसको प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को करिए फॉर्मुले आपको याद होने चाहिए तभी ये क्वेश्चंस कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द

कहने का मतलब यह है अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो भाई जीपी याद है आपको जीपी में क्या होता था कि अगर हमको टर्म्स दिए होते थे ए दूसरा टर्म होता था ए आर तीसरा टर्म होता था ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन इस तरीके से हम टर्म्स लिखते थे जीपी में वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म आर इज द कॉमन रेशियो सो जो इस तरीके के टर्म्स होते थे ना दो चार आठ सोलह बत्तीस ये जो टर्म्स होते हैं ये जीपी में होते हैं इसमें सक्सेसिव टर्म अपॉन प्रिसीडिंग टर्म बाद वाला टर्म अपॉन पहले वाला टर्म का जो रेशियो होता है वो हर केस में सेम होता है फोर बाई टू करेंगे तो टू आएगा एट बाई फोर करेंगे तो भी टू आएगा सिक्स बाई एट करेंगे तो भी टू आएगा विच इज नोन एज द कॉमन रेशियो आई होप मैंने आपको बेसिक्स बता दिए राइट right? तो अगर हमने इसके फर्स्ट टर्म को लेट से मान लिया ए के बराबर एंड जो कॉमन रेशियो है इसको मान लिया लेट से कैपिटल आर के बराबर तो जो इसका एन टर्म होता है वो होता है किसके बराबर कैपिटल ए आर की पावर एन माइनस वन ये होता है इसका जनरल टर्म ठीक है अब यहां पे हमको ए आर प्लस वन दिया है ए आर प्लस वन मतलब ए आर इसके टर्म्स हैं ए आर इसका आर टर्म है ठीक तो ए आर प्लस वन किसके बराबर होगा सो ए आर प्लस वन की अगर अपन वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा फर्स्ट टर्म ए आर आर प्लस वन देखो क्या होता है अगर यहां पे एन है तो यहां पे एन माइनस वन होता है मतलब यहां पे नीचे जो भी टर्म है यहां पे उसका एक कम टर्म है तो यहां पे अगर आर प्लस वन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आर यहाँ पे आर प्लस फाइव है तो यहां पे क्या हो जाएगा आर प्लस फोर यहां पर आर प्लस नाइन है तो यहां पे क्या हो जाएगा आर प्लस एट सिमिलरली नीचे ए आर आर प्लस सिक्स ए आर आर प्लस टेन ए आर आर प्लस फोटीन ए आर आर प्लस टेन ए आर आर प्लस सिक्सटीन एंड ए आर आर प्लस ट्वेंटी ठीक कंफ्यूज मत होइएगा मैं ऐसे भी आर बनाता हूँ ऐसे भी आर बनाता हूँ दोनों ही तरीके हैं जो तरीका अच्छा लगता है वो कर लेता हूँ ठीक है सो so, आर बनाने के तरीके सेम ही हैं करने का तरीका यही है आर ऐसे भी लिखता हूँ मैं ऐसे भी लिखता हूँ तो परेशानी मत आ जाइएगा सेम ही चीज़ है राइट अब क्योंकि यहां पे पावर कैपिटल आर आर में दिया था इसलिए हमने कॉमन रेशियो कैपिटल आर से अलग से रिप्रेजेंट कर लिया अब यहां पे देखिए इसकी अगर अपने को वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं ओके okay, तो यहां से देखो तो एक जुगाड़ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ए आर की पावर आर ये सबसे छोटा टर्म है इन तीनों टर्म्स में से तो यहां से ए आर की पावर आर निकाल लें सिमिलरली ये भी सबसे छोटा टर्म है इन तीनों टर्म्स में सिमिलरली ये भी सबसे छोटा टर्म है इन तीनों टर्म्स में तो फर्स्ट रो से ये बाहर निकाल लें सेकेंड रो से ये बाहर निकाल लें थर्ड रो से ये बाहर निकाल लें अगर बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा ए आर की पावर आर इंटू ए आर की पावर आर प्लस सिक्स इन टू ए आर की पावर आर प्लस टेन ये हमने बाहर निकाला अंदर क्या बचा सो so, अंदर बचा यहां पे वन 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 यहां पे ए आर की पावर आर बाहर निकाला तो इसको क्या लिखेंगे ये हो जाएगा ए आर की पावर फोर ए आर की पावर एट ए आर की पावर सिक्स बाहर निकाला तो यहां पे बचेगा फोर ए आर की पावर फोर ए आर की पावर टेन बाहर निकाला तो यहां बचेगा सिक्स ए आर की पावर टेन ठीक सो ए आर की पावर आर निकाला था तो यहाँ पे बचा आठ ठीक है यहाँ पे आर प्लस सिक्स निकाला तो यहाँ वन बचा सिक्स निकाला तो ए आर की पावर टेन टेन माइनस सिक्स इज फोर फोर्टीन माइनस सिक्स इज एट हाँ ये गलत हो गया ये यहाँ पे एट आएगा राइट right? बाकी टेन निकाला तो ए आर की पावर सिक्स ए आर की पावर टेन राइट करेक्ट ठीक है तो यहां तक हमने ये कॉमन लेके निकाल लिया अब ये कॉमन कैसे लिया इसमें भी अगर कंफ्यूजन है तो ये भी समझ लो कैसे लिया सो so, जैसे था हमारे पास ए आर की पावर आर प्लस फोर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं ए आर की पावर आर इंटू आर की पावर फोर लिख सकते हैं क्यों क्योंकि जब बेस सेम होते हैं सेम होता है तो पावर एड हो जाती है आर प्लस फोर लिख सकते हैं अब इसमें से हम कॉमन क्या ले रहे हैं इसमें से हम कॉमन ले लें ए आर की पावर आर को सो so, अगर ये आर की पावर आर यहाँ से निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या यहाँ से अगर ये आर की पावर आर निकाल दी जाए तो यहाँ पे बचेगा आर की पावर फोर अच्छा हाँ हमने ए भी तो निकाल दिया है तो यहाँ पे सिर्फ आर की पावर फोर बचेगा इसका मतलब है यहाँ पे बचेगा कुछ इस प्रकार से ये मैंने गलत लिखा है ये बचेगा एक मिनट ये बचेगा और ये बचेगा ये बचेगा यहां से आर 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 के टर्म में बचेगा क्योंकि ए भी तो कॉमन निकाल लिया तीनों में से राइट तो ये बचा हमारे पास अब ए आर की पावर फोर लिया तो क्या बचा सिर्फ आर की पावर फोर बचा राइट सिमिलरली सब में से निकाल लिया अब यहां पे आप ध्यान से देखिए ये वाली जो रो है और ये वाली जो रो है ये दोनों रोज कैसी है सेम टू सेम है आइडेंटिकल है इफ दीज रोज आर आइडेंटिकल तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था इफ टू रोज आर आइडेंटिकल सेम टू सेम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो प्रॉपर्टी लग गई सो so, प्रॉपर्टी आप सामने लिख भी दीजिएगा सिंस टू रोज आर आइडेंटिकल देयर फोर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट इज जीरो तो इसलिए इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई दैट मीन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर आर से कोई लेना देना नहीं है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अगेन आप इसको एक बार देख लीजिए समझ लीजिए इसको पॉज करके लिख लीजिए क्योंकि ये आपके काम आने वाला है क्या आने वाला है काम आने वाला है ठीक है इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट चलिए भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए प्लस फाइव ए माइनस फोर ए माइनस टू ए प्लस थ्री एंड ए ए डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए ये कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं आते एक ही कोई भी वैल्यू हो अब ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आते का मतलब है कि एक पॉइंट ऐसा हो सकता है एक पॉइंट ऐसा हो सकता है एक पॉइंट या तो लाइन के ऊपर होगा या लाइन के नीचे होगा अब चाहे नीचे हो या ऊपर हो किसी भी केस में यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा होगा और अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उसका एरिया भी होगा अगर एक ट्राइंगल का एरिया जीरो हो जाए तो हम वहां से दिखा सकते हैं दैट पॉइंट्स आर को लीनियर सो कभी भी अगर आपसे कह दे कि आपको ये तीन पॉइंट्स दिए हैं एंड शो दैट दीज पॉइंट्स आर को लीनियर तो पॉइंट्स आर को लीनियर अगर ऐसा कुछ दे दे तो यहां पे समझ जाइएगा क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू जीरो तो यहां पे अगर एरिया ऑफ ट्राएंगल जीरो हो गया तभी पॉइंट्स कैसे होंगे को लीनियर होंगे राइट right? अब यहां पे देखिए शो दैट दीज पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए चलो अब इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं अगर हमने मान लिया कि ये जो है ये तीनों वर्टिस हैं किसी गिवेन ट्राइंगल की अगर ये वर्टेज है तो माइनस फोर वन ए माइनस टू ए प्लस थ्री वन ए वन राइट सो इसकी अगर अपन वैल्यू निकालें और अगर ये वैल्यू जीरो आ जाए तो हमको ये तीनों पॉइंट्स को लेने अगर जीरो नहीं आती है तो शो दैट द पॉइंट डो नॉट लॉय ऑन ए स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए तो यहां से यह पता चल जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आते क्योंकि यहां पर ट्राइंगल जो बन रहा है उसका कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है अगर कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है मतलब तीनों पॉइंट्स अलग अलग लाई कर रहे हैं ठीक है चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही ऑपरेशंस लगा दीजिए तो ऑपरेशंस अगर लगाएं आर वन में आर वन माइनस आर थ्री एंड आर टू में आर टू माइनस आर थ्री सो ये हो जाएगा वन बाई टू आर वन माइनस आर थ्री सो ये हो जाएगा फाइव माइनस टू ए माइनस फोर थ्री ए ज़ीरो जीरो वन राइट अब इसको थर्ड कॉलम के अलाग अगर एक्सपेंड करें सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ही आ रहा है ये जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है उसको हटा दें इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो so ये हो जाएगा फाइव थ्री जार फिफ्टीन प्लस फोर टू जार एट पाँच पाँच बीस तेईस बटे दो ट्वेंटी थ्री बाई टू आंसर आ रहा है एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए सो दे डो नॉट लाई ऑन स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए तो यहां पर दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए सो वी कैन से दैट दीस पॉइंट डो नॉट लाई ऑन अस्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए तो यहां पर आपका आखिरी मामले आप लिख दीजिएगा कि सिंस इट इज नॉट जीरो एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ए सो जो ये स्टेटमेंट दिए सो दे डो नॉट लाई ऑन स्टेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए दिस इज द फाइनल आंसर सो ये जो क्वेश्चन है अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है जितने वेराइटी बन सकते हैं मैं सारे वेरायटी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना मिल जाए जिससे आपको यह लगे कि यार ये क्वेश्चन यश सर ने नहीं कराया तो सारे क्वेश्चन अपन कराएगा ठीक है Please note this down, and then we'll be moving on to the next question. Chalye, let's move on to the next question. Next question, guys. Show that triangle ABC is an isosceles triangle if the determinant this is equals to zero. Isosceles triangle? What is it? a triangle in two sides are equal. So, triangle is said to be isosceles triangle if its two sides are equal. Two sides equal should अब दो साइड्स इक्वल कब होंगी जब उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं सो so, आइसोसिलिस्ट एंगल में दो साइड्स तो इक्वल होती ही हैं उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं अब यहां पे साइड के लिए तो कुछ नहीं दिया है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं इन फॉर्म ऑफ एंगल्स ए बी सी तो बेसिकली अगर हम यहां से किसी तरह से ये दिखा दें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी या एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी या एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ अलिस्टल राइट तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही करना आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं करूंगा मैं शॉर्ट फॉर्म में करके बताता हूं आपको समझा देता हूं सॉल्व आप खुद कीजिएगा ठीक तो कैसे करेंगे भाई देखिए तीन वन आ रहे हैं तो तीन वन आ रहे हैं आप क्या कीजिए सी वन में सी वन माइनस सी थ्री कीजिए सी टू में C2 टू माइनस सी कीजिए तो जब आप माइनस करेंगे तो दो जीरो बन जाएंगे जब दो जीरो बन जाएंगे तो आपके पास एक ही एलिमेंट वन बचेगा यहां पे ये वाला एलिमेंट एज इट इज रहेगा बाकी दो जीरो हो गए एक्सपैंड कीजिएगा तो एक्सपैंड करके कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू कॉस बी माइनस कॉस सी इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा किसके बराबर जीरो के बराबर अब अगर ये जीरो के बराबर है तो कॉस ए कॉस बी के बराबर है यानी ए बी के बराबर है अगर ये जीरो के बराबर है यानी के बराबर है यानी बी सी के बराबर है और अगर ये जीरो के बराबर है तो सी ए के बराबर है बस यही आपको दिखाना है और इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन है लेकिन आसान है ईजिली सॉल्व हो जाएगा बस दो जीरो बनाओ और एक्सपैंड कर दो सो प्रॉपर्टीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन काफी टेढ़े मेढ़े हैं जो बढ़िया क्वेश्चन हैं, जो कंपटीशन में तो आते ही आते हैं इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है फाइंड ए इन वर्स इफ दिस 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 देन शो दैट ए इन वर्स इज इक्वल टू दिस अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को तो ये भी देखते हैं So, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए कह रहा है फाइंड ए अगर ए दिया हुआ है एंड शो दैट ए इज ए स्क्वायर माइनस थ्री आई बाई टू अब देखो यहां पे मैं आपको एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं और इस शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हो किसी भी थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स का इनवर्स वो भी चुटकियों बजाते हुए सिर्फ पंद्रह से बीस सेकेंड में येस यू हर्ड इट राइट 15 से 20 सेकंड में अगर आप लेंदी प्रोसेस से जाएंगे जिसमें हम निकालते हैं इनवर्स इज इक्वल्स टू अपॉन डिटर्मिनेट निकालते हैं निकालते हैं पांच छह मिनट तो लगता ही लगता है मिनिमम यहां मैं जो तरीका बताऊंगा वो बहुत शॉर्ट ट्रिक तरीका है क्या तरीका है तरीका ये कहता है कि आप एक बड़ी सी मैट्रिक्स बना लीजिए जिसमें आप सेंटर से शुरू कीजिए दिल से शुरू कीजिए किसी को भी अगर आपको अपने वश में करना है तो कहां से शुरू करना है दिल से तो दिल से सेंटर से शुरू किया जीरो लिखा फिर उसके बाद दिल से उतरना है नीचे ठीक तो दिल से चले गए नीचे यानी वन और फिर नीचे से आना है नीचे अगर आप एक बार पहुंच गए तो तुरंत नीचे के बाद सीधा दिमाग में ही हिट करेगा सो ये आ गया वन और फिर से वापस बैक टू हार्ट ये हो गया जीरो राइट इस तरीके से एलिमेंट्स लिखे फिर राइट साइड मूव किया थर्ड वाले कॉलम में फिर से दिल पे अटैक किया फिर नीचे गए फिर दिमाग पे अटैक किया और फिर से दिल पे आ गए सेम लेफ्ट साइड पे करेंगे सेंटर एलिमेंट वन पे गए नीचे गए वन पे आए दिमाग पे गए जीरो पे आए और फिर से दिल पे अटैक किया वन पे आए राइट तो इस तरीके से आपने एक मैट्रिक्स बना ली विच इज अ फोर बाय फोर मैट्रिक्स ठीक अब इस फोर बाय फोर मैट्रिक्स से हम इजीली एड निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं यहां से एड ऑफ ए ऑफ़ so, निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस जीरो दैट इज इक्वल्स टू वन फिर नेक्स्ट एलिमेंट को, so, को निकालने के लिए इसको ले लिया जीरो के बराबर आया फिर नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए अच्छा यहाँ पे अभी हमने फोर बाय फोर की मैट्रिक्स नहीं बनाई है थ्री थ्री बाय फोर की बनी है 4 बाय 4 की बनाने के लिए इसको ऊपर वाला जो है उसको नीचे फिर से रिपीट कर देते हैं इसको दोबारा से रिपीट कर दिया ठीक अब नेक्स्ट बनाने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स को लेने ले सो 1 0 1 फिर इसको किया 0 1 दैट इज -1 फिर इसको किया 1 फिर इन दोनों को किया 1 फिर इन दोनों को किया 1 फिर इन दोनों को किया -1 इस तरीके से विद इन सेकंड्स हमने निकाल लिया क्या हमने निकाल लिया एट ज्वाइंट ऑफ ए तो ये शॉर्ट ट्रिक लगा के आप कंपटीशन में भी सॉल्व कर सकते हो और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कोई टेंशन नहीं है आप ये करके चेक कर सकते हो कि जो आपने को फैक्टर्स नहीं आया विद इन हो जाएगा ठीक अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कुछ नहीं है क्या करना है इसकी जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दीजिए कुछ भी नहीं करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए सो जीरो इंटू माइनस वन जीरो वन इंटू वन 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 इंटू वन वन कितना आ गया टू यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई टू यानी ए इनवर्स कितना आ गया यहाँ से वन बाय टू इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए सो याद दैट इज माइनस वन 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 माइनस वन वन जीरो वन माइनस वन ये आ गया ए इनवर्स के बराबर ये मैंने समझाया तब शायद दो मिनट लगे होंगे या मिनट लगा होगा आप करेंगे ये ये सेकंड्स में में आंसर आ जाएगा सो so, अगर ट्रिक ट्रिक अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा और इसका टाइम स्टैम्प बताइएगा ताकि लोगों को भी पता चले और हमको भी पता चले कि आपने ये ट्रिक देखी या मिस हो गई ठीक ये देख ली अब यहां से हमने ए इनवर्स निकाल लिया एल निकाल लिया अब आर भी निकाल सकते हैं क्या ये इसी के बराबर आ रहा है सो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई कराना होगा सो so ए को ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं भाई सो so क्या आ जाएगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम सो ये आ जाएगा जीरो वन प्लस वन दैट इज टू ठीक फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम सो ये हो जाएगा जीरो जीरो वन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम जीरो वन जीरो सो यहाँ से भी आ गया वन फिर यहाँ से क्या आ जाएगा सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम सो जीरो जीरो वन सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम वन जीरो वन वन प्लस वन टू तो ये बेसिकली इस तरीके से कुछ आ रहा है ये हमने यहां पे पैटर्न देख के अपने आप लिख लिया आप भी देख लीजिएगा यही आ रहा होगा शायद ठीक है ये हो गया क्या ये हो गया आपका ए स्क्वायर अब ए स्क्वायर माइनस थ्री आई करेंगे ए स्क्वायर माइनस थ्री आई तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस थ्री आई का मतलब हो गया माइनस थ्री आई किसके बराबर होगा सो so ये बराबर होगा माइनस थ्री जीरो 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 माइनस थ्री जीरो 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 माइनस थ्री सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री आई ये हो जाएगा टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन 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 जीरो माइनस वन जीरो 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 माइनस वन ठीक है सो ए स्क्वायर माइनस थ्री आ गया अपॉन टू कर ले इसको सो ए स्क्वायर माइनस थ्री आई अपॉन टू तो ये किसके बराबर आ जाएगा ये बराबर आ जाएगा वन बाई टू इंटू माइनस वन 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 जीरो सॉरी ये वन आएगा वन आएगा वन आएगा सो वन माइनस वन 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 माइनस वन ठीक तो देखिए ये दोनों आपस में एक्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं कुछ भी फर्क नहीं है सेम टू सेम वैल्यूज यहाँ से आ रही हैं तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा ठीक है सो so, ये आंसर आ गया करेक्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं बहुत इजी है बहुत आसान है और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको यहां पे समझा दी ठीक प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वील बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर ए मैट्रिक्स दी है तो ए इनवर्स निकालो फिर यूजिंग ए इनवर्स इन इक्वेशंस को सॉल्व करो अब देखो यहां पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बोर्ड में आप शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई कर सकते दिस इज फॉर श्योर आपको पहले को फैक्टर्स निकालने हैं फिर उसका ट्रांसपोज करके एड ज्वाइंट निकालना है उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना है ये सारी चीजें आपको पता है मैं शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से करके बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होगा ठीक तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लें सबसे पहले हम यहाँ पे एड ऑफ ए निकाल लें तो एड ऑफ ए निकालने के लिए दिल से स्टार्ट करना है सो माइनस वन नीचे जाना है माइनस वन ऊपर आना है फिर वापस दिल पे आना है सबसे नीचे भी यही लिख लेना है बीच में फिर नेक्स्ट पे जाना है माइनस टू वन ज़ीरो फिर राइट लेफ्ट साइड जाना है माइनस टू ज़ीरो वन माइनस टू ये आ गया अब इसको सॉल्व करने के लिए एड ऑफ ए निकालने के लिए हमने क्या किया एट ऑफ ए यहां से डायरेक्ट निकाला सो so, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू कितना हो गया माइनस थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टू इसको सॉल्व करेंगे माइनस फोर फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस टू इन दोनों को सॉल्व करेंगे वन इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो प्लस टू इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो माइनस माइनस प्लस टू इन दोनों को सॉल्व करेंगे सो वन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस वन प्लस फोर माइनस वन प्लस फोर फोर माइनस वाइनस थ्री सो ये आ गया हमारा एट जॉइंट ऑफ ए ठीक है सो so, यहाँ से क्या गया आ गया हमारा एट जॉइंट ऑफ ए आ गया राइट कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर टू वन टू एंड टू वन थ्री बिल्कुल सही आ रहा है एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से अब एड ज्वाइंट ऑफ ए निकालने के बाद डिटर्मिनेंट डे निकालने के लिए क्या करेंगे सो so, डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए हमने क्या किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री प्लस फोर फोर माइनस थ्री प्लस जीरो फोर माइनस थ्री वन के बराबर डिटर्मिनेंट वन की वैल्यू आ गई वन के बराबर यानी ए इनवर्स क्या आ गया यही आपका ए इनवर्स भी आ गया तो डायरेक्टली मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट आंसर सो so कह रहा था फाइंड ए इनवर्स तो ए इनवर्स आ गया किसके बराबर माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर टू वन टू टू वन थ्री ये आ गया आपका ए इनवर्स क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू वन के बराबर आ गई ठीक अब कह रहा है सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेजनस

सो so, जो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स हैं वो हमने एक साथ लिख लिए इसके बाजू में लिखा है एक्स वाई जेड और राइट साइड पे जो भी एक राइट साइड वाले कॉन्स्टेंट्स थे टेन एट सेवन इनको इस तरीके से लिख लिया राइट अब लेट्स से अगर ये क्वेश्चन ए है ये एक्स है ये बी है हमको अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये किसके बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू मतलब ए का इनवर्स निकालें और उसको बी से मल्टीप्लाई कर दें अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो यहां लिखा है यूजिंग ए इनवर्स नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओवर हेयर यूजिंग ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स जो हमने निकाला है उसी का यूज करना है अब इसका दोबारा से इनवर्स नहीं निकालना है अगर आपने दोबारा से इसका इनवर्स निकाल दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे छह नंबर जीरो हो जाएंगे ठीक अब इसका इनवर्स निकालना है देखो ये जो ए है वन टू जीरो माइनस टू माइनस वन माइनस टू जीरो माइनस टू वन राइट ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आ रही है वन माइनस टू जीरो ओके अब देखो इसमें और इसमें कुछ आपको कॉमन चीज दिखाई दे रही है ये दोनों इक्वल तो नहीं है इक्वल नहीं है ठीक लेकिन इसमें और इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रही है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए क्या कि ये जो मैट्रिक्स है ये ये बेसिकली क्या है ये बेसिकली ए का ट्रांसपोज है अगर आप ए का ट्रांसपोज कर दो तो वन टू जीरो यहां आ गया माइनस टू माइनस वन माइनस टू यहां आ गया जीरो माइनस वन माइनस वन प्लस वन यहां आ गया ठीक So, इसका कहने का मतलब है ये क्या है ये जो ए मैट्रिक्स थी जिसका भी हमने इनवर्स निकाला ये उसका ट्रांसपोज है अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल की क्लास में क्या कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिखवाई भी थी आपको यही प्रॉपर्टी यहां पे काम आ जाएगी तो जो हमने ए इनवर्स निकाला है इसी का ट्रांसपोज कर दे तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स आ जाएगा सो so, इसका अगर ट्रांसपोज करें तो हमको क्या मिल जाएगा इसका इनवर्स लेट्स से इसको अगर अपन बी बोल देते हैं तो बी का इन्वर्स किसके बराबर आ गया सो लेट्स से इसको बी बोल दिया इसको सी बोल दिया सी बोल नहीं दिया मतलब वाला सी नहीं समझना वाला सी नहीं है सी सी बोल दिया ठीक सो so ये हो जाएगा बेसिकली किसके बराबर ये बराबर हो जाएगा बी इन्वर्स इंटू सी सो बी इनवर्स किसके बराबर आ गया इसका ट्रांसपोज तो अगर इसके इनवर्स का ट्रांसपोज करें तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इनवर्स आया था हमारा ये इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस फोर टू वन टू टू वन थ्री सो ये आ गया बी इनवर्स अब अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बी इनवर्स को सी से मल्टीप्लाई कर दें सो बी इनवर्स को अगर सी से मल्टीप्लाई कर दें टेन एट सेवन से तो क्या आ जाएगा so भाई इसका ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री इसका ऑर्डर है थ्री क्रॉस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा थ्री क्रॉस वन सो थ्री क्रॉस वन में जो ऑर्डर होगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस थर्टी प्लस सिक्सटीन प्लस फोर्टीन ठीक फिर माइनस ट्वेंटी प्लस एट प्लस सेवन देन माइनस फोर्टी प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी वन एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड ठीक अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सो so, 16 और 14 कितना हो जाएगा 30 30 में से 30 गए जीरो आ गया सो so, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई जीरो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आठ और सात आठ सात पंद्रह माइनस बीस तो ये हो गया माइनस का फाइव फिर 16 और 21 ये हो गया सेवन ये हो गया 37 तो ये हो गया माइनस का थ्री सो so आंसर आ गया जीरो माइनस फाइव माइनस थ्री सो अगर हमसे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड तो यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू माइनस फाइव जेड की वैल्यू माइनस थ्री सो दीज आर द थ्री वैल्यूज जो हमने यहां से निकाल लिया सॉरी <coughs> नाउ इस क्वेश्चन को जब बोर्ड के हिसाब से करेंगे तो कोफैक्टर निकालेंगे ट्रांसपोज करेंगे तब निकालेंगे लेकिन शॉर्ट शॉर्ट्रिक से आप अपना आंसर तुरंत के तुरंत चेक कर सकते हो सो बोर्ड में क्या करना है आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके बाद जब रिवीजन का टाइम मिले एक्स्ट्रा टाइम मिले उस समय खाली बैठे होने पे लास्ट में इसको इस तरीके से चेक कर लेना सही है कि नहीं तो छह नंबर पक्का हो जाएंगे फॉर गारंटी फॉर गारंटी ठीक है चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लीजिए लिख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलिए भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी तरीके से है एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है मैट्रिक्स बनाना है इनवर्स निकालना है मतलब एड निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है इनवर्स निकालना है फिर इनवर्स को सी से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड मिल जाएगी तो सेम वही क्वेश्चन है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहां जितने क्वेश्चंस मैंने दिए सब बढ़िया क्वेश्चंस हैं सेम वही टाइप का क्वेश्चन है इसलिए तो मैं ज्यादा इसको नहीं करा रहा मैं इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुका हूं अपने डिटर्मिनेट के वन शॉट वाले वीडियो में तो वहां से आप उसको देख सकते हैं फिर से ये उसी तरीके का क्वेश्चन है फिर से वैसे ही करना है ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कह रहा है अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर नहीं है देन दिस इज इक्वल टू जीरो प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अब ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई बोर्ड लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोई और बोर्ड क्योंकि बाकी बोर्ड्स में प्रूफ दैट के छह नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट से एक ही क्वेश्चन आएगा एंड दैट विल बी वर्ड प्रॉब्लम वाले टाइप का क्वेश्चन तो उसको आपको अच्छे से करना है यह लेंदी क्वेश्चन है लेंदी क्वेश्चन इतना लंबा क्वेश्चन आएगा ही नहीं लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो इसको जरूर कर लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन एक्सपैंड कीजिए निकालिए आंसर आएगा लेंदी है एक्सपैंड कीजिए निकालिए आंसर आएगा कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो अभी तक हमने नहीं किया ये वर्टिसज वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस तो इसको ट्राइंगल के फॉर्म में बनाइए हाफ डिटर्मिनेंट वन 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 इज इक्वल टू नाइन यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी के की तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंग रियल रूट यानी रियल रूट का मतलब है एक्स की वैल्यूज कितनी आ रही है एक आ रही है दो आ रही है तीन आ रही है कितनी एक्स की वैल्यूज आ रही है तो यहां पे भी निकल के आपको पता चल जाएगा एक्स माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच में है यानी माइनस फोर्टी फाइव से फोर्टी फाइव के बीच में है ठीक है सो so यहां से यह भी पता चल जाएगा क्वेश्चन अब यहां पे माइनस फोर्टी फाइव से फोर्टी फाइव के बीच में कोई भी वैल्यू एक्स की रख के देख लो यहां पे दरलेट से थर्टी रख दिया ठीक सो so, थर्टी रख के देख लो या जीरो रख के देख लो देख लो इसकी कितनी वैल्यूज आ रही है उससे आपको आंसर मिल जाएगा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं एमसीक्यू को सॉल्व करने की राइट right? अब यहां पे भी यही है ए बी सी आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइ एंगल द डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल अगर ए बी सी एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या है एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स का मतलब है कि इन एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा सो ए प्लस बी प्लस सी वन के बराबर है ये यह प्रॉपर्टी यहां यूज़ करोगे और ये सॉल्व कर लोगे ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं ये यूज़ करोगे तो यहां से ही यह आ जाएगा ठीक है ये लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड के हिसाब से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस अब मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसको करके दिखाता हूं मैं आपको ये कैसे निकालेंगे सो so, इसको अगर यहां पे सॉल्व करें सी वन में ऑपरेशन लगाया सी वन माइनस या इतना करने की जरूरत नहीं सी वन माइनस सी टू कर लें सी वन माइनस सी थ्री कर दें तो क्या आ जाएगा यहां से ये आ जाएगा जीरो ये आ जाएगा जीरो ये आ जाएगा कॉस थीटा वन वन प्लस साइन थीटा वन 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 ये आ गया फर्स्ट कॉलम के अला एक्सपैंड कर देते हैं इसको सो so ये फर्स्ट कॉलम के अला एक्सपैंड हो गया कॉस् थीटा आ गया यहां से आ गया वन माइनस वन माइनस साइन थीटा ठीक सो वन माइनस वन कैंसिल हो गया ये किसके बराबर आ गया माइनस साइन थीटा थीटा अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू निकालना इजी होता अगर हमको ये टोटल साइन में दिया होता या टोटल कॉस्ट में दिया होता कोई टेंशन नहीं हम इसको टोटल साइन टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे हम टू से मल्टीप्लाई करें और टू से डिवाइड करें टू से मल्टीप्लाई करने में फायदा क्या हो गया ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा माइनस वन बाई टू टू साइन थीटा कॉस्ट थीटा किसके बराबर होता है साइन टू थीटा के बराबर होता है अब आपको पता है साइन के अंदर एंगल कोई भी आएगा जो इसकी रेंज है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है राइट तो यहां पे माइनस वन बाई टू साइन टू थीटा है तो हम माइनस वन बाई टू से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन बाय टू साइन टू थीटा राइट और ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू अब एक चीज यहां पे समझिएगा क्या समझना है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी चीज को तो जो ये साइन है ना इन इक्वेलिटी के रिवर्स हो जाते हैं तो ये गलती नहीं करनी है ये साइन रिवर्स कर देने हैं यहां पे यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं आज अ रिजल्ट गलत आंसर आता है सो so, साइन अगर रिवर्स कर देंगे तो जो लेस देन का है वो ग्रेटर देन का हो जाएगा जो ये वाला है वो इधर मुड़ जाएगा ठीक यानी माइनस वन बाई टू मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है प्लस का वन बाई टू यहां पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का वन बाय टू आंसर आएगा उल्टा मत कर दीजिएगा यहां पे साइन को जरूर देखिएगा वरना आंसर गलत हो जाएगा ठीक है सो तो ये बढ़िया एमसीक्यू था इसलिए सॉल्व कराया आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है सो तो इसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए आगे बढ़ना है आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर ये इसके बराबर है देन एफ ऑफ ए जीरो के बराबर है या एफ ऑफ बी तो यहाँ पे क्या करो एक बार एक्स की जगह ए रख के देखो एक बार एक्स की जगह बी रख के देखो एक बार एक्स की जगह जीरो रख के देखो एक बार एक्स की जगह वन रख के देखो इनमें से किसी ना किसी पे जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो जीरो हो जाएगी सो वही आपका आंसर है तो यहाँ पे हिट एंड ट्राई मेथड करना पड़ेगा इनमें से कुछ भी रख के देखना पड़ेगा एक्स की जगह वैल्यू रखो और आंसर निकालो ठीक है कह रहा है अगर ए इसके बराबर है एंड ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है अब देखो ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है जब मैट्रिक्स कैसी हो सिंगुलर हो सो so, मैट्रिक्स सिंगुलर हो तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सिंगुलर का मतलब क्या है डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए और उसको नॉट इक्वल टू जीरो रखिए तो लैमडा नॉट इक्वल टू

प्लस वन बाई जेड की वैल्यू निकालनी है किसके बराबर आएगी ठीक तो इसके लिए क्या करते हैं भाई इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं ओपन अप कर लेते हैं तो अगर सब्सट्रैक्शन कर लें यहां से सो लेट से हमने लगाया सी वन में सी वन माइनस सी थ्री तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन प्लस एक्स माइनस वन तो ये हो जाएगा एक्स जीरो माइनस जेड ये हो जाएगा वन वन प्लस वाई वन 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 प्लस जेड ठीक अब इसको जब अपन एक्सपैंड कर ले फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग तो फर्स्ट कॉलम के अला एक्सपैंड करने पे क्या आएगा देखिए ये आ जाएगा एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल्स टू ये डिटर्मिनट किसके बराबर है जीरो के बराबर है तो जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करके ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास ठीक अब जब ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास तो देखिए माइनस वन हो जाएगा अब यहाँ पे एक्स जेड से एक्स जेड काटा तो ये बच्चा वन बाई वाई प्लस एक्स वाई से एक्स वाई काटा यहाँ पे बच्चा वन बाई जेड प्लस वाई जेड से वाई जेड कटा यहां पर बचा वन बाई एक्स और ये उधर गया तो किसके बराबर हो गया माइनस वन के बराबर आ गया तो यहां से कह रहा था कि एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर है तो यहां से किसके बराबर आ रही है माइनस वन के बराबर आ रही है सो so, इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को किया जाएगा बढ़िया एमसीक्यू है ये सारे एमसीक्यूज जो मैं करा रहा हूं काफी अच्छे हैं काफी इंपॉर्टेंट है तो इन एमसीक्यूज को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा चलिए पॉज कर लीजिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एक्सपैंड करना है फिर से वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कराए हैं ये खुद कर लीजिएगा यहां पे कह रहा है देर आर टू वैल्यूज ऑफ ए विच मेक्स दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू एट्टी सिक्स दीज नंबर इज सो बेसिकली इसको जब आप खोलेंगे 86 से इक्वेट करेंगे तो शायद क्वाड्राटिक इक्वेजन आएगी ए की दो वैल्यूज आएंगी दो वैल्यूज ही आएंगी राइट दो वैल्यूज आएंगे उन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिएगा सम जो भी आ रहा है वो आंसर आएगा तो इस तरीके से इसको करना है ये भी आप आराम से कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं कह रहा है फिल इन द ब्लैंस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री देन डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री ए किसके बराबर है सो डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री ए किसके बराबर हो जाएगा तो जब भी हम डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है वेयर एज जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराते हैं किसी स्केलर से तो वो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है तो यहां पे डिटर्मिनेंट थ्री किसके बराबर आ जाएगा सो so, ये आ जाएगा थ्री की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए वेयर एन इज दर ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर कितनी दी है थ्री So, आ जाएगा थ्री की पावर थ्री इन डिटर्मिनेंट ए सो आ जाएगा ट्वेंटी सेवन टाइम्स डिटर्मिनेंट ए सो अगर ए एक मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री की तो डिटर्मिनेंट थ्री ए की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी सेवन टाइम्स डिटर्मिनेंट ए नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाई थ्री देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसी के बराबर होता है राइट तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था एक्स वाई जेड अगर बिलोंग कर रहा है आर को देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी फिर से दो जीरो बना लीजिए इसको एक्सपैंड कीजिएगा एक्सपैंड करके ये जीरो के बराबर आ जाएगा सिंपल ईजी आसान हो जाएगा करके देखिएगा ना हो तो कमेंट करके बताइएगा फिर उसका वीडियो मैं अलग से आपके लिए बना दूंगा ठीक है कॉस्ट थीटा अगर जीरो के बराबर है तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है अब देखो कॉस्ट टू थीटा अगर जीरो के बराबर है तो कॉस्ट की वैल्यू जीरो किस पे होती है कॉस की वैल्यू जीरो होती है 90 डिग्री पे यानी पाई बाई टू पे कंपेयर करें तो टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू सो थीटा कितना आ गया पाई बाई फोर अब यहां पे जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या लिख दो सिर्फ पाई बाई फोर से उसको चेंज कर दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो यू विल गेट द फाइनल आंसर ठीक इस आंसर को नीचे कमेंट करके बताइएगा विद टाइम स्टैम्प तो आंसर दीजिएगा नीचे टाइम स्टैम्प डालिएगा आंसर लिखिएगा और बताइएगा क्या आंसर है अगर करेक्ट आंसर हुआ तो मैं हार्ट दूंगा हार्ट से बाकियों को भी समझ में आ जाएगा कि आंसर सही आंसर क्या है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर ए थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर का इनवर्स किसके बराबर होगा सो so, ये ऑफ के के स्क्वायर बराबर होगा सो so, ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दे रहे हैं और कोई बात नहीं अगर ए थ्री बाई थ्री की ऑर्डर की मैट्रिक्स है देन द नंबर ऑफ माइनर्स इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए नंबर ऑफ माइनस कितने होंगे भाई हर एलिमेंट का एक माइनर होता है थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स में टोटल नाइन एलिमेंट्स होंगे तो कितने माइनर्स हो जाएंगे माइनर्स हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल टू सो अगर ए वन वन सी वन वन प्लस ए वन टू इंटू सी वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू सी वन थ्री वल टू डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है ये मैंने कल आपको मतलब जो लास्ट क्लास थी डिटर्मिनेंट्स की उसकी प्रॉपर्टीज में ये बताया था ये किसके बराबर हो जाएगा इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन इसका रूट है देन दर रूट आर तो एक्स की जगह माइनस नाइन अगर इसका रूट है तो क्या करो इसको एक्सपैंड कर दो पहले एक्सपैंड कर दो जो भी आंसर आएगा अब यहां पे अदर टू रूट्स का मतलब है टोटल तीन रूट्स आ रहे हैं तो यहां से क्यूबिक इक्वेजन बनेगी जब क्यूबिक इक्वेजन बन जाए तो एक्स की जगह क्या करना नाइन पुट करोगे तो एक्स की जगह जब नाइन पुट करोगे माइनस नाइन सॉरी पुट करोगे तो बाकी के दो फैक्टर्स के फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन डालोगे तो कोई टर्म आ जाएगा फिर उस टर्म को देख लेना कि उसके और कौन कौन से दो फैक्टर्स हो रहे हैं बस वही दो फैक्टर्स इसके भी आ जाएंगे सिंपल ईजी आराम से अगर ये जीरो के बराबर है अगर ये किसकी वैल्यू किसके बराबर है तो अगेन इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक्सपैंड करना पड़ेगा वैल्यू निकालनी पड़ेगी एफ एक्स अगर इसके बराबर है तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 देन ए की वैल्यू किसके बराबर होगी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कॉम्पिटिशन कंपटीशन, कंपटीशन और कंपटीशन में ही आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड के लेवल में नहीं आएंगे नाउ सिंस आई एम मेकिंग दिस वीडियो as पर द बोर्ड्स तो इसलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं कंपटीशन वाले क्वेश्चंस को अगर आप बताओगे या जब हम कंपटीशन वाले क्वेश्चन करेंगे अलग से जेई के क्वेश्चन या डब्ल्यू जेई के क्वेश्चन तो हम इनको देखेंगे अभी ये क्वेश्चन करने का कोई लॉजिक नहीं है ठीक है क्यूब का इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स का क्यूब इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो हाँ भाई बिल्कुल सही बात है करना क्या है इसमें ओके okay. अच्छा शायद इसमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है ये कैसा है सो so, ये ट्रू है बिल्कुल ट्रू है सही बात है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई एनवर्स वेर इज एनी रियल नंबर एंड इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है ये भी ट्रू है भाई इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये भी ट्रू है ठीक तो ये ट्रू एंड फॉल्स वाले जो क्वेश्चन हैं जो आगे आ रहे हैं इन क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं कैसे इन क्वेश्चन को करना है क्या करना है ट्रू एंड फॉल्स ही है हाँ भाई बिल्कुल ट्रू एंड फॉल्स है ठीक है सो ट्रू एंड फॉल्स वाले ही क्वेश्चन को हमको करना है ठीक कह रहा है ए और ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू ए इनवर्स अब देखिए ए इंटू ए इनवर्स अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई ए इंटू ए इनवर्स क्योंकि ये आएगा बेसिकली क्या ये आएगा बेसिकली ए इवर्स इंटू ए इनवर्स लेकिन ये उल्टा हो जाएगा भाई ए इनवर्स इन ए इनवर्स ये आ गया यहां से सो so ये हो गया ए इनवर्स इन वन अपॉन ए एंड दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए इंटू ए इनवर्स क्या ये बराबर हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि बराबर हो क्योंकि कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में काम नहीं करती तो इसलिए यहां पे हम जरूरी नहीं कह सकते सो so इसलिए यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा फॉल्स आएगा दिस विल नॉट बी ट्रू दिस विल बी फॉल्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब यहां पे बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात है समझिएगा यहां पर दिया है ए इज एनी रियल नंबर एक ऐसा है रियल नंबर तो रियल नंबर में भाई जीरो भी आता है अगर यहां पे एक ही जगह जीरो रख लो तो क्या ये पॉसिबल है क्या ये ट्रू है आंसर है नहीं इसीलिए हमने इसको फॉल्स लगाया है अगर यही क्वेश्चन में दिया होता वेयर ए इज एनी नॉन जीरो नंबर तो उस केस में ये स्टेटमेंट हो जाती ट्रू अब क्योंकि नॉन जीरो नंबर के लिए ये ट्रू है लेकिन जैसे ही अगर एज एनी रियल नंबर उसमें अगर जीरो आ गया तो समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड इसलिए ये स्टेटमेंट उस केस में क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी वरना नॉन जीरो के लिए ट्रू है अगर वैसे देखो फॉर रियल नंबर तो फॉल्स है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कैची क्वेश्चन है यहां पर अगर आपके दिमाग में यह स्ट्राइक कर गया उस समय तो, तो आप सही बताओगे वरना गड़बड़ हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है so I hope मैंने सारे टाइप बेहतरीन तरीके से समाप्त खत्म नीचे कमेंट करके बताइएगा इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करें और कौन सा चैप्टर किस तरीके से लगाएं क्या ये सीरीज आपको पसंद आई कि नहीं आई क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है अगर पसंद आई तो तो आगे कंटिन्यू करेंगे अगर नहीं पसंद आई आपका अच्छे से सपोर्ट नहीं मिला या लाइक्स नहीं मिले या कमेंट्स नहीं आए तो फिर भाई इसका मतलब है कुछ और करने की जरूरत है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लग रही है इज इट वर्थ स्पेंडिंग दिस टाइम और नॉट प्लीज बताइएगा बाकी अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर बने रहें दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ बबाई टेक केयर गॉड ब्लेस